प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे आज का न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में एक बड़ी अपडेट जो है निकल कर आई है, आप यहां पे देख सकते हैं। 23 अगस्त 2023 का ये अपडेट है, ठीक है। तो पूरा क्रेडिट दैनिक भास्कर को ही जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी का सिस्टम रिमोट पर लेकर जो है प्रश्न पत्र सॉल्व करने का आरोप, बोर्ड मानने को तैयार नहीं। ये यहाँ पर जो है कहा जा रहा है, लिपिक भर्ती परीक्षा दे रहे ही छात्रा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ, होगी पूछताछ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 10,101 पदों पर बहाली को लेकर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित परीक्षा पहले दिन से ही विवादों में। पहले चरण में 4 अगस्त से जो है 17 अगस्त तक परीक्षा चली। पहले 16 अगस्त को हुई अमीन बहाली की परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी का प्रश्न का स्क्रीनशॉट और आंसर शीट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मामले में एयरपोर्ट थाना में जो है केस दर्ज कराया गया। अब पिछले 2 दिनों एक छात्रा का जो है प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल है। छात्रा लिपिक के बहाली में 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच की परीक्षा में शामिल हुई हैं। छात्रा और उसके सेंटर के पहचान की जा रही है। बीसीसी बोर्ड के ओएसडी अनिल सिन्हा ने कहा कि एक छात्रा का प्रश्न पत्र का वायरल स्क्रीनशॉट मिला है, जांच की जा रही है। यह लिपिक बहाली की छात्रा है। एयरपोर्ट थाने कि पुलिस को जो है स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराया गया है। छात्रा से जो है पूछताछ भी होगी, ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। KSM सेंटर के संचालक से पूछताछ, जैमर का होगी जांच। अमीन बहाली की परीक्षा के दौरान 16 अगस्त के कुछ आंसर शीट और प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, जिस अभ्यर्थी के स्क्रीन वायरल हुआ है उसका नाम अनिल है और वह ट्रांसपोर्ट नगर स्थित KSM परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहा था। एयरपोर्ट थाने के थानेदार विनोद पीटर ने कहा कि बुधवार को टीम KSM एग्जामिनेशन सेंटर जाकर जांच करेगी, यानी आज जो है आपका जांच करने जाएगी। कल भी यही चीज़ बताया गया था, संचालक से जो है पूछताछ होगी, वहाँ के जैमर को भी जो है जांच की जाएगी। ये यहाँ पे जो है आपका अपडेट दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा सवाल, सिस्टम पर VPN एप्लीकेशन ऑन दिख रहा है, ऐसा कैसे? दो दो अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद अब अभ्यर्थियों में नाराज़गी देखी जा रही है। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में बोर्ड को जो है ज्ञापन भी सौंपा और कई बार और कार्रवाई की मांग भी की। छात्र अनिल के पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद बोर्ड के तरफ से कहा गया कि ऐसा लगता है कि किसी ने डेस्कटॉप से फ़ोटो लेकर उसे लैपटॉप पर चस्पा किया है और वायरल किया है। लेकिन अब छात्रा के पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनुभव राज ने कहा कि छात्रा का पेपर का वायरल स्क्रीनशॉट पर देखा जा सकता है कि गूगल क्रोम और VPN एप्लीकेशन खुला हुआ है। परीक्षा केंद्र पर जैमर लगा होता है, इसलिए वहां ऐसा होना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि छात्रा का प्रश्न पत्र किसी सॉल्वर ने उसके डेस्कटॉप को रिमोट पर लेकर सॉल्व किया है। उन्होंने कहा कि इतना साक्ष्य मिलने के बाद भी बोर्ड यह मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पे जो है बिहार अमीन और बिहार DLRS का जो एग्ज़ाम्स 2023 का 17 अगस्त तक जो आपका हुआ है ना, एक
अगस्त को जो है आपका सभी को एडमिट कार्ड को नोटिस दिया गया था। खैर, इसके बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको सारी अपडेट जो है इससे रिलेटेड आपको मिलता रहे। अगला अपडेट है यहाँ पे बिग कंट्रोवर्सी, 6 विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति पर टकराव। वीसी नियुक्त पहले राजभवन, अब शिक्षा मंत्री ने दिया विज्ञापन जारी किया। 6 विश्वविद्यालय BRBU, BNMU, KSDSU, LNMU, AKU और PU के कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में राजभवन के बाद शिक्षा विभाग ने भी विज्ञापन जारी किया। राजभवन का विज्ञापन 4 अगस्त को जारी हुआ और शिक्षा विभाग का विज्ञापन 22 अगस्त को प्रकाशित हुआ। राजभवन के जो है विज्ञापित के अनुसार आवेदन की अवधि जो है 21 से 22 दिन की है, जो है 26 अगस्त को समाप्त हो रही है। शिक्षा विभाग के विज्ञापन में भी आवेदन का मियाद 22 दिन है, यानी 13 सितंबर को समाप्त होगा। ये यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया है। भास्कर एनालिसिस कहता है कि कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में क्या कहता है विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 अधिनियम के धारा 10(1) के खंड 1 के मुताबिक जो है शिक्षा क्षेत्र में वैसे शिखर व्यक्ति जिसका अकादमिक स्तर सर्वश्रेष्ठ हो और कुलपति नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों तक प्रोफेसर या किसी शोध या एकेडमिक संस्थान में समतुल्य पद पर आसीन रह चुके हैं, वे जो है यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। जो लोग VC बनना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आपका कुलपति बनना चाहते हैं, उन लोगों की नियुक्ति के लिए जो है यहाँ पे अपडेट दिया गया है। अगला अपडेट है कैबिनेट के फैसले, NHSH किनारे ATM CNG वर्कशॉप खुलेंगे। बिहार के 10 अंचलों में जो है आवासीय विद्यालय, तो सहरसा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। ये यहाँ पे जो है आपका अपडेट दिया गया है आज के न्यूज़ पेपर में। अगला अपडेट है बिहार बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन, STET आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 25 तक भरें फॉर्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के लिए आवेदन करने के लिए तारीख को जो है 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। बिहार बोर्ड ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि STET परीक्षा के लिए राशि का भुगतान अब 23 अगस्त के रात 12 बजे तक जो है किया जा सकेगा। परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने और त्रुटि में सुधार जो है 25 अगस्त शाम 6 बजे तक वेबसाइट BSEBSTET.com पर जाकर जो है किया जा सकेगा। तकनीकी कारणों से कई परीक्षार्थियों का आवेदन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, इसका कारण तिथि 2 दिन जो है बढ़ाई गई है। ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पे दिया गया है। प्लस यहाँ पे बताया जा रहा है आपका कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, यानी CVT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होगा, CVT मोड में आयोजित की जाएगी और परीक्षा की अवधि जो है 150 मिनट यानी 2.3 आवर्स होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये यहाँ पे जो है अपडेट आपका दिया गया है।